भाजपा का विकास मॉडल नेशन फर्स्ट के लिए कमिटेड है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम। हेलो एंड वेलकम टू न्यू इंडिया जंक्शन। बैलेट बज इज इन पीएम्स रैली टुडे व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन द्वारका दिल्ली, सो स्टे ट्यून्ड विद अस एज वी ब्रिंग मोर एंड मोर अपडेट्स फ्रॉम द ग्राउंड फॉर यू फ्रॉम द रैली एंड ऑल्सो एज वी स्पीक टू द पीपल हु आर हियर अटेंडिंग द रैली। आप इस समय पीएम मोदी के रैली में हैं। हां जी, मोदी जी को सुनने के लिए आए हैं, उनके विचार सुनने के लिए, जो इसे अच्छे काम किए देश के लिए वो जानने के लिए और आगे के लिए। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए मोदी जी की रैली? बोले देश के लिए काम किए, देश के लिए बहुत काम किए हैं और कर रहे हैं, जो देश को जानता नहीं था आज वर्ल्ड में पूरे देश का नाम किया है मोदी जी ने। टी शर्ट पे लिखा है मैं हूँ मोदी का परिवार, एग्जैक्टली ये टी शर्ट क्यों पहनी आपने? हम लोग भी उनका ही सपोर्टर है। जी क्यों, वजह क्या है? सब चीज का हम लोग को सुविधा मिल रहा है। आप बताइए क्या बोलेंगे? मैम बात ये है ना कि अब यहाँ का दिखा देना था कि पहले हम लोग बात कर रहे हैं मुद्दे पे, ठीक है, कि अगर हमने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड हमने काम किया है ना, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं ना, तो हम विपक्ष से बोल रहे हैं कि आप भी अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, नहीं तो 54 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखा दीजिए। अगर 10 साल में हमने जो रिपोर्ट कार्ड काम कर रखा है, अगर 14 करोड़ शौचालय दे रखा है, अगर 70,000 किलोमीटर से 125,000 किलोमीटर सड़कें बना रखी है, अगर कहते हैं आवास योजना दे रखा है, IIT बना रखी है, पहले 6 एम्स था अब 23 एम्स बना रखा है, तो वो मोदी जी के शासन में हो रखा है। इसलिए हम लोग काम गिनवा के वोट मांग रहे हैं और इस बार 400 पार का है और 400 पार होके रहेगा। बस हमने चार, और विपक्ष को तो इस बात का डर है ना, क्योंकि उनकी 150 सीटें भी नहीं आ रही है, ठीक है, और 150 सीटें ना आने का कारण उनके एक जो बहुत महाशय बोलते हैं युवा नेता जिनको बोला जाता है, ठीक है, बोलना रिस्पेक्ट मैं उनको भी देता हूँ। विपक्ष में पहली बात तो मजबूत चेहरा होना चाहिए, मजबूत चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, चेहरा भी वही है जिसने 4 लाख करोड़ का घोटाला किया था, टूटी चोर बोला जाएगा, ठीक है, और चारा चोर बोला जाएगा, तो ये ऐसे चेहरा नहीं है, कोई ऐसा विपक्ष में कोई ऐसा मजबूत चेहरा लेके आए तब जाके विपक्ष मजबूत होगी और हमें और भी काम करने में मजा आएगा। बस अच्छा ये बताइए, आपने कहा विपक्ष की 150 सीटें भी नहीं आ रही हैं, इससे क्या मतलब है आपका? इंडिया अलायंस की 150 सीटें भी नहीं आ रही है। अब मैं बता देता हूँ 1 तारीख से 4 तारीख को होने का क्या वाला है, ठीक है, मैं वो भी गिनती आपको करवा देता हूँ। 1 तारीख को ना विपक्ष में मेहंदी लगने वाली है, ठीक है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाएंगे। 2 तारीख को फिर क्या करेंगे, जो हमारे जो केजरीवाल जी हैं उनको 2 तारीख को जेल भेज दिया जाएगा, 3 तारीख को सन्नाटा हो जाएगा बिल्कुल देश में, ठीक है। अब 4 तारीख को मैम होगा क्या, 4 तारीख के दिन सुबह 10 बजे ये लोग तो बहुत जोश में आएंगे कि हमारी सरकार आ रही है, ठीक है, और फिर 10-12 बजे बोलेंगे कि भाई EVM है क्या, क्योंकि ये रोना विपक्ष गाएगा ही रोना कि EVM है क्या। फिर 2 बजे बोलेंगे क्या कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, 4 बजे हमारी 400 सीट तो आ जाएगी, 5 बजे हम भंडारा करेंगे और 6 बजे हम लोग क्या करेंगे, जो इटली से एक बंदा आया है अपनी माँ के साथ, ठीक है, उसको हम लोग 6 बजे टिकट दे के रवाना कर देंगे और उसके बाद वो चुपचाप से इटली चला जाएगा और कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी 150 सीटें भी नहीं आ रही है। इसलिए बताइए इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि 400 पार होने वाला है? कॉन्फिडेंस इसलिए है ना कि 10 साल में हमने काम किया है, अगर हमने फील्ड पे रह के अगर मोदी जी ने काम किया है ना, अगर बोला गया 18 गंदा मंडा काम कर रहा है ना, तो उस कॉन्फिडेंस से हम लोग बोले जा रहे हैं, नहीं तो हम लोग क्यों बोलते 10 साल में? आप बीजेपी के कार्यकर्ता है? नहीं कार्यकर्ता नहीं, हम लोग देख रहे हैं, हम एक स्टूडेंट है अभी, ठीक है, लेकिन हम भी देख रहे हैं कि कौन बंदा काम कर रहा है और कौन विपक्ष में काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना वो रख रहे हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम मंजू दत्ता है। पीएम की रैली में मोदी जी को जिताने का रीजन, दोबारा मोदी जी को लाना है, उसके लिए 400 पार मराने के लिए लोग आए। 400 पार की आपने बात की, क्या कहना है आपका 400 पार के बारे में? ये कहना है कि मोदी जी भारी बहुमत से जीते। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो भारी बहुमत? उन्होंने हमारा नाम पूरे संसार में रोशन किया है, तो मोदी जी है, मोदी जी की वजह से लोग हमको जानने लगे कि आप इंडिया से आए हैं, हिंदुस्तान से हैं, तो मोदी जी के ओ मोदी, यस मोदी कंट्री। ऑपोजिशन के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने भी अपना काम किया, उनका अपना है, हम मोदी जी के साथ हैं, हमें मोदी जी का साथ देना। मेरा नाम संजय डबास है, मैं मुंडका विधानसभा का रहने वाला हूँ। बेसिक में मैं एक प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एज ए लेक्चरर स्कूल में, दिल्ली गवर्नमेंट में। मैं यहाँ मोदी जी के लिए आया हूँ और वो जो राष्ट्रहित की बात करता है, जो एक समाज को जोड़ने की बात करता, तोड़ने की बात नहीं करता, जिसने लोगों के लिए काम किया है,
गरीब लोगों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं और स्वास्थ्य के लिए भी योजना लेके आए हैं। और दिल्ली में तो जो सरकार चल रही है अगर उसकी बात करें तो केजरीवाल जी ने कुछ काम तो किया नहीं है। पेरिस बनाने की बात हुई थी दिल्ली की, बहुत बुरा हाल है, ना कोई मेडिकल सुविधा ढंग से दी जा रही है। वो तो हाई कोर्ट कह रहा है कि आपने स्कूलों में और उसमें वो व्यवस्था नहीं की जो आप दिखा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हाई कोर्ट की रिपोर्ट बोल रही है। और जहां मोदी जी का है 400 पार का नारा, वो बिल्कुल है, जनता उनके साथ है। उन्होंने जो काम किया है, जो हाईवेज बनाए हैं, जो सेंटर के कोविड में जो उन्होंने काम किया है, वो सब दिखा रहा है। अगर बाहर मेरे बच्चे बाहर हैं, मेरे बच्चे अभी अब्रॉड पढ़ रहे हैं, मैं उनसे बात करता तो कहते हैं कि दुनिया में सम्मान बढ़ाया है। और अब उन्होंने ये कहते हैं कि धारा 370 भी तोड़ी, कितने सारे काम है, कितने गिनवाए हम कि जो मोदी जी ने किया है। और दिल्ली की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि बिल्कुल हम मोदी जी को ही वोट कर रहे हैं। आपका ऑपोजिशन के बारे में क्या कहना है? अपने परिवार को बचाने के लिए आजकल वो सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। लालू का बेटा तेजस्वी यादव, मुलायम का बेटा अखिलेश यादव, ममता का भतीजा और हमारे राहुल सहजादे जो बोले जाते हैं, वो तो माशाअल्लाह है। वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं, सिर्फ उनको बढ़ाना है, देश को नहीं बचाना। संविधान में अगर बदलाव किया तो कांग्रेस ने किया है। 302 मैंडेट और उससे ज्यादा एनडीए का हो समर्थन होते हुए भी दो बार तो मोदी जी ने नहीं किया, ये सिर्फ अफवाह है। और अपोजिशन में केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं कि मैं रिजाइन नहीं दूंगा, मैं या तो अपनी वाइफ को बनाऊंगा। तो क्या भाई, ये सरकार इसलिए चुनती है आपको जनता कि आप अपने परिवार को ही चुनते रहे। और एक जेल में गया हुआ मुख्यमंत्री, इससे पहले कितने शिबू सोरेन जी गए हैं, चौटाला जी गए हैं, लालू जी गए हैं, करुणानिधि जी गए हैं, और जो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जी जयललिता वो भी गई हैं। हमेशा रिजाइन दे के गए, अगर गलत किया है आप सामना करो। यही तो कहते थे कि जैसे आप पे आरोप लगा आप पद से रिजाइन कर दीजिए, नहीं तो इन्फ्लुएंस करेंगे आप, जो गवाह है उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। अब वो जो केजरीवाल जी कर नहीं रहे हैं, बहुत सारे जो सुचिता वो लाना चाहते थे वो खुद ही उस सुचिता का पालन नहीं करते हैं। कभी वो कहते हैं कि कहाँ आपने अटैक नहीं किया, हमारी सेना पे वो सवाल उठाते हैं, मीडिया पे वो उठाते। स्वाति मालीवाल जो पहले महिला अध्यक्ष रही हैं दिल्ली की, उनके सम्मान में वो क्या कर रहे हैं, उनको आपस में दो वर्ड नहीं बोल सकते, उनके लिए वो उन्हीं की पार्टी की कार्यकर्ता है, 10 साल से वो कार्यकर्ता है, आज उनके साथ बिहेवियर हुआ, मिसबिहेव हुआ तो उन्होंने बोल दिया कि एक स्वाति जी है, वो हमारी जो मंत्री हैं, क्या नाम उनका, मालीवाल, उनके बारे में बोला जाता है कि वो बीजेपी की आड़ में कर रहे हैं। सब कुछ अगर बीजेपी कर रही है तो भाई आप क्या कर रहे हैं? बीजेपी तो सब कुछ कर सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय झूठ की। राजनीति मैडम बार बार नहीं चलती, और दिल्ली में 7 सीट बीजेपी को जा रही हैं, दिल्ली की जनता ने तय कर रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ आवाज़ आ रही है लोगों की, बहुत सारे लोग, ये जरूरी नहीं है कि अपने आप, मैं अपनी गाड़ी से आया हूँ, वहाँ मैंने पार्किंग में गाड़ी लगाई है, खुद पैदल चल के आया हूँ, आई एम ए हैंडीकैप पर्सन, उसके बावजूद मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं मोदी जी के लिए वोट कर रहा हूँ, ये मेरा तय है और मेरा पूरा परिवार। सर अपना नाम बताइए। संदीप शर्मा। आपका? परविंदर सिंह। तो अभी आज आप पीएम की रैली के लिए यहाँ पे द्वारका में आए हैं, क्या वजह है? मैडम हमारे आने का मेन मकसद है कि इस देश को इस समय एक बहुत मजबूत व्यक्ति की जरूरत है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता हमें। उन्होंने देश को 10 सालों में जहाँ तक पहुँचाया है, देश विदेश में हमारे देश का नाम कराया है, तो हम चाहते हैं कि अगली बार भी वही आए। जी मेरी भी यही कहना है, इस बार इनकी 400 सीटें आएंगी और विकास को आगे बढ़ाएंगे, जैसे वो आगे भी बढ़ा रहे हैं और आगे भी बढ़ाएंगे। आपने कहा इस बार 400 सीटें आएंगी, इतना श्योर कैसे हैं कि 400 सीटें आएंगी? उन्होंने जैसे विकास किया, जिस हिसाब से काम किए उसके हिसाब से आएंगी। तो ये बताइए ऑपोजिशन इस समय जो है इंडिया अलायंस है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उनमें कोई मजबूत नेतृत्व ही दिखाई नहीं देता हमें, उसके बारे में हम क्या कहें बताइए, कोई भी सब उसमें मेरे को कोई दिखाई नहीं देता, प्रधानमंत्री के लायक नहीं कोई दिखाई दे रहा, तो उनको मजबूत करने का कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा मेरे। ओपोजिशन इनके सामने काट गए, मोदी जी जो जैसे विकास करते हैं, जैसे बात करते हैं, हर काम को आगे बढ़ा के करते हैं, तो मोदी जी ही
आने चाहिए, वही आगे विकास को बढ़ाएंगे। सुशीला कटारिया, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार, बीजेपी के आने से जो हमारे देश को मान मिला है, और इसी देश को नहीं मिला, पूरे विदेशों में, पूरे ऑल वर्ल्ड में जो हमारे मोदी जी की वजह से हम भारतीयों को मान मिला है, वो ना आज से पहले मिला, ना आज के बाद मिलेगा। आज मोदी जी की वजह से हम किसी भी देश में जाते हैं यात्रा पर, तो वहाँ यही कहा जाता है, अच्छा आप मोदी जी के यहाँ से आए हो। आज ये नहीं पूछा जाता आप भारत से आए हो, आज ये कहा जाता है आप मोदी जी के यहाँ से आए हो। ये पहचान हमारी मोदी जी की वजह से है, और मोदी जी ने हमें जो दिया है आज तक, ना मान हमारा कहीं हुआ, अमेरिका में मेरा खुद परिवार रहता है, और अमेरिका में उन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए ये दिखाना होता था कि हम भारतीय बहुत काबिल हैं, लेकिन आज उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं, आज मोदी जी ने प्रूव कर दिया कि हमारे भारतीय काबिल हैं। और इसी वजह से मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। सुरेश चंद्र, क्या कहना है आपका आज की रैली को लेके? बहुत अच्छा लग रहा है, उद्धार के लिए हो रही है, देश के उद्धार के लिए अगर करी जा रही है रैली, मोदी जी आएंगे, अच्छी बात है। क्या आपको लगता है दिल्ली की जो सातों कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, सातों सीट हैं, उन पे आपका क्या टिप्पणी है? सारी सीटें बीजेपी को आएंगी, सारी सीटें। कॉन्फिडेंस क्या, हम तो घूमते रहते हैं। पब्लिक का कहना है मोदी को लगना है। क्यों लाना है, क्या वजह लाना है? देश में तरक्की हो रही है, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, पब्लिक को सारे साधन मिल रहे, यही चीज है, और क्या है। सर आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार है, मैं जनकपुरी विधानसभा से हूँ। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, जो हिंदू होगा वो बीजेपी को जरूर वोट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा वो, क्योंकि इसमें देश के अंदर जो अभी चल रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, जो भी करेंगे वो मोदी साहब करेंगे। ठीक है जी, कहने वाले बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा, हासिल कुछ नहीं होना है, और इस बार मोदी सरकार को ही आना है। इस बार मोदी सरकार को ही आना है, इतना श्योर कैसे हैं? श्योर है मैडम, हो जाए, इनका काम है, कहते हैं ना काम, सबको तरक्की चाहिए, काम बोलता है, वही मोदी साहब का काम बोल रहा है। वो तो चोर है, केजरीवाल तो और चोर है, और राहुल गांधी को तो कुछ बोलने आता नहीं है, कहाँ से 1000 रुपए दे देगा, 8000 रुपए मंथली महिलाओं को। क्या बोला आपका उनकी महालक्ष्मी योजना को लेकर? वो महा ठग है और एक नंबर के झूठे। ठीक है जी, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। एक केजरीवाल आए 2018 से पेंशन बंद कर दिए, अब वो क्या 1000 रुपए देंगे महिलाओं को? स्कूलों को जाके देखो, वो हालत खराब है कि जिसको कह नहीं सकते आदमी। अभी केजरीवाल जी ने जो शराब घोटाले की वजह से जो वो जेल गए थे, बेल पे अभी बाहर आए, उस पर क्या कहेंगे? चोर आदमी को तो कहेंगे चोर है, फिर भी कहने की नहीं, हम चोर नहीं है। मालीवाल के केस में क्या बोलेंगे, उनका जो मुद्दा है? स्वाति मालीवाल को आप देख लो कितना मारे हैं, और फिर भी वो आतिशी जो है एक नंबर की झूठी है, आतिशी जो है एक नंबर की झूठ बोलने वाली औरत है, जो कि उसके केजरीवाल साहब कहे थे कि हमारा दो ही राजदार है, एक आतिशी और एक और सौरभ भरद्वाज, उन्हीं से बात करो जाकर के, फिर भी स्वाति आतिशी को अकल नहीं आ रही है। सर आप क्या कहेंगे? विकास के लिए आए हैं, मोदी जी ने बहुत काम किया है, विदेशों में मान सम्मान देश का बढ़ाया है, इसलिए आए हो, गरीबों का सम्मान किया है, किसानों को बहुत लाभ दिया है, वन रैंक वन पेंशन किया है, देश का नाम ऊंचा किया है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं की है। ये वैरागी है, वैरागी किसी से लगाव नहीं है अपने लिए, ये कोई पुण्य आत्मा है जी, मिल रहता है देश के लिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे वो दिल्ली में जो चुनाव होने वाले 25 तारीख को उसके लिए आ रहे हैं, यहाँ पे जो 25 तारीख को चुनाव होने वाले दिल्ली में, इसलिए पीएम यहाँ पे आने वाले हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? सातों सीट्स के बारे में, सातों सीट बीजेपी की, एक अभिनंदन करता हूँ हाथ जोड़कर, पब्लिक उनके बारे में क्या कहेंगे? उम्मीदवार हमारी तो कमलजीत शेरावत, हमारी तो पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत शेरावत,
ये तो बहुत बढ़िया है, ये मेयर रह रही है, काउंसलर रह रही है, बहुत बढ़िया है, बहुत काम करती है, मिलनसार है, किसी को कोई बैक आती नहीं है, झुठलाती नहीं है, बहुत बढ़िया काम करने वाली है, बहुत अच्छी नेता है, और बढ़ेगी, विकास भी करेगी ये। आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है? जवानों के लिए यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, अच्छे रोड बने, अब सारे रोड टूटे पड़े हमारे। आप बताइए ऑपोजिशन के बारे में क्या कहना है? अरे दिल्ली का सत्यानाश कर दिया केजरीवाल ने। आप मैं विकास नगर से आओ, वहाँ पे आपको जाने तक के रास्ता तक नहीं मिलेगा। इतनी भ्रष्ट सरकार है, चोरी करती है, सारा स्टाफ तो इसका भ्रष्ट है। अभी जो रिसेंटली स्वाति मालीवाल का पूरा इंसिडेंट हुआ है, उस पर क्या कहना है? तो उसका केस को दबाना चाहते हैं ये लोग, दबाना चाहते हैं इसके केस को, इसके केस को दबाना चाहते हैं ये लोग, दबा धमका कर इसको आगे नहीं आने दे रहे इसको। गुरवीन कौर, आई एम द फैन ऑफ मोदी, और वो जो भी कर रहे हैं देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, हमारे को संस्कृति से जोड़ रहे हैं, समाज से जोड़ रहे हैं, और जो एक हमारे हिंदू संस्कृतियों में होना चाहिए वही सब है, और एक वो जमीनी इंसान है, हकीकत को जानते हैं, एक्सपीरियंस है। ऑपोजिशन के बारे में क्या कहेंगे? ऑपोजिशन पार्टी ने बहुत गलत काम किए हैं, अगर वो दारू ना देके अच्छे कर्तव्य करते तो आज उनको ये सब नहीं भुगतना पड़ता। दुनिया ने उनको, पब्लिक ने उनको बहुत चांस दिया था कि नई पार्टी आएगी झाड़ू के नाम से, वो कुछ विकसित करेगी, पर उन्होंने कुछ ना विकसित करके हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ दिया, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होने लग गया, जो भी उल्टे सीधे काम थे वो ज्यादा, करप्शन ज्यादा हो गया एक्सेस में, इसलिए मैं उनके विरोध में हूं, नहीं तो मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अगर अच्छा होता तो आज वो हमारे साथ हकीकी जमीनी पे जुड़े होते, पर उन्होंने अपना मौका खो दिया है।